दो साल बाद आज किसान आंदोलन 2.0 की तैयारी किसान पंजाब हरियाणा में कर रहे हैं। चंडीगढ़ से जत्थेबंदियां किसान जत्थेबंदियां आज निकलेंगी और कहीं ना कहीं तीन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा फोकल पॉइंट जो होगा किसानों के लिए वो शंभू बॉर्डर होगा, यानी कि पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर, जहां पिछली बार बैरिकेड्स को तोड़ के किसानों ने दिल्ली मास दिल्ली चलो के कॉल पे दिल्ली पहुंचने के लिए कूच किया था। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पे वही तस्वीरें वापस हैं जो ठीक आज से दो साल पहले दिखाई देती थी। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और यहाँ पे दिल्ली पुलिस इस वक्त तैयारियां कर रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देखिए ये बार्ब्ड वायर्स हैं, तार हैं जिनमें कीले लगी होती हैं, उनको खोला जा रहा है, बैरिकेड्स के ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक दाहिनी ओर जब कैमरा पैन होगा तो आपको बड़े बड़े कंटेनर्स दिखाई देंगे। इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भर के रखा गया है ताकि एक एडिशनल दीवार बने, एक एक्स्ट्रा दीवार बनकर तैयार हो और ट्रैक्टर ट्रॉलियां अगर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंचती हैं तो फिर ये दीवार जो है किसानों को दिल्ली घुसने से रोक सके, ऐसी तैयारियां हैं। अब कैमरा जब आगे बढ़ेगा तो आपको पैरामिलिट्री फोर्स दिखाई देगी और ठीक उस पैरामिलिट्री फोर्स के आगे बैरिकेड्स बार्ब्ड वायर्स आपको दिखाई देंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए हैं उसमें ताजा सीमेंट डाला गया है, यानी कि उसको एक मजबूत दीवार की तरह बनाने के लिए उनमें सीमेंट डाल के लोहे की जो सरिया होता है उसको डाला गया है। पूरी तैयारी हो गई है ये इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अगर शंभू बॉर्डर के जो तमाम बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ के, हरियाणा के तमाम बैरिकेड्स को तोड़ के दिल्ली तक पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए यहां पे मजबूत दीवार तैयार की जाए। आखिरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए सीमेंट मिक्सर है जो सिंघू बॉर्डर पे लगा के रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग किसान तोड़ने में सफल होते हैं, यहाँ पे जो पूरी तैयारियां हैं उसको और भी मजबूत कर लिया जाएगा। अहम बात यह है कि अभी आज की तारीख में जो किसान संगठन दिल्ली की ओर बढ़े हैं ये किसान मजदूर मोर्चा के बैनर के तले इस बार किसान आंदोलन 2.0 को आगे बढ़ा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिसने किसान आंदोलन किया था 2020 से लेके 21 तक, उसने फिलहाल 13 तारीख की यानी कि आज की दिल्ली चलो कॉल से दूरी बना रखी है। और लेकिन किसान नेता, तमाम जो बड़े किसान नेता हैं, चाहे वो जोगिंदर सिंह उग्राहा हो या एसकेएम के बाकी किसान नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार फोर्स का इस्तेमाल करती है, ताकत का इस्तेमाल करती है इस किसान मार्च को रोकने के लिए तो वो मजबूर होंगे कि किसान मजदूर मोर्चा के इस आंदोलन में खुद आकर शामिल हो जाएं। वीडियो सहयोगी आलोक दास के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली